मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 विशेषण। कल हमने किया था सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद तथा उसके प्रश्न उत्तर। तो आज हम करेंगे विशेषण, विशेषण की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषण, नीचे वाक्य देखिए, हलवाई गरम गरम समोसे बना रहा है। मीठा सेब खाओ, मुझे 4 केले दीजिए, इस डिब्बे में 2 किलो घी है। उपयुक्त वाक्यों में जो रंगीन शब्दों को ध्यान से देखिए, ये शब्द अपनी अपनी संज्ञा यानी कि समोसे, सेब, केले, घी की किसी न किसी विशेषता के बारे में बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले ये शब्द ही विशेषण का काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पर समोसे की विशेषता बताई गरम गरम, सेब की विशेषता बताई मीठे, केले की विशेषता बताई 4, घी की विशेषता बताई 2 किलो। तो ये जो इनकी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, यही क्या है, विशेषण। तो परिभाषा हो गई, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर दूसरी आपकी विशेष्य, कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। उपयुक्त वाक्यों में दोनों की स्थिति को ध्यान से देखिए और समझिए। यह हमने विशेषण और विशेष्य लिख दिए हैं। तो विशेषण हो गए गरम गरम और विशेष्य हो गए समोसे, यानी समोसे की विशेषता बताई गरम गरम। तो जिनके जिनकी विशेषता बताई है वो तो है विशेष्य, और जो विशेषता बताई है वो है विशेषण। मीठा विशेषण, सेब विशेष्य, 4 विशेषण, केले विशेष्य, 2 किलो विशेषण और घी विशेष्य। विशेषण और विशेष्य में कुछ अन्य उदाहरण भी देखिए, जैसे मैं ठंडा पानी चाहता हूं, यहां पर ठंडा है विशेषण और पानी है विशेष्य। कमरे में 10 आदमी हैं, 10 विशेषण और आदमी विशेष्य। ग्लास में कुछ दूध है, कुछ विशेषण और दूध विशेष्य। नेताजी गंभीर समस्या पर विचार कर रहे हैं, गंभीर विशेषण और सविशेष्य विशेष्य हो गया आपका समस्या। ध्यान रखें कि विशेषण संज्ञा के पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी, कि संज्ञा से पहले भी विशेषण आ सकते हैं और बाद में भी। यह ठंडा पानी है, यह पानी ठंडा है, वह लाल फूल है, वह फूल लाल है। तो दोनों स्थिति में ये विशेषण का काम कर रहा है, लाल और ठंडा। तो वाक्यों में विशेषण की क्रिया की जो गय है हमारा, वाक्यों में विशेषण के पूरक का काम कर रहा है, अतः इन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। अब है विशेषण, संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर आपको नीचे विशेषण दे रखे हैं, कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको आप अच्छे से, कि अच्छा लड़का है, 30, बहुत, वह लड़का, तो ये सभी क्या है, विशेषण है। तो ये हम नीचे विशेषण के भेद पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार देख लो कि सुशांत अच्छा लड़का है, यह पहले वाक्य में अच्छा लड़के का गुण बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। उसके पास बहुत अनाज है, यह बहुत विशेषण का परिमाण बता रहा है, यानी कि उसकी नापतोल बता रहा है, तो परिमाणवाचक है। कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या बता रहा है, तो संख्यावाचक है। वह लड़का गरीब है, वह सर्वनाम पद लड़के की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। अब है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, स्वाद, अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, पतला, मोटा, छोटा, ऊंचा आदि। जैसे लाल गुलाब, विशेषता बताई गुलाब की, लाल है, ऊंचा पेड़। गरम जलेबियां, बड़ी मेज। तो जो गुणवाचक विशेषता है उसके अंदर गुण बताए, दोष, रंग, आकार, स्वाद, स्थान, काल, स्पर्श, अवस्था, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, संख्या का, वो कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे 2, 4, कुछ, 5वां, 7वां आदि। 2 फूल, 4 बालक, 1 कुत्ता, इनमें 2, 1 संख्या बता रहे हैं तथा 4 संख्या का कर्म बता रहा है, क्रम बता रहा है। संख्यावाचक विशेषण है, इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की
निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, मुझे 4 केले दीजिए, छठे बालक को बुलाओ, तो यहाँ पर विद्यार्थी, केले और बालक विशेष्य को निश्चित संख्या है इनकी जो बता रहे हैं 30, छठे और 4। अनिश्चित संख्यावाचक में होता है विशेषण शब्द विशेष्य संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराए उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जहां पर निश्चित संख्या का बोध न हो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। कुछ लोग बेहोश हो गए, थोड़े केले दीजिए, सभी बच्चे बैठ जाए, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो अनिश्चित संख्यावाचक है वो उसके आगे जो भी चीज, व्यक्ति या वस्तु का नाम दे रखा है वो गिनने योग्य होना चाहिए। जैसे कुछ लोग यानी लोगों को हम गिन सकते हैं, थोड़े केले केलों को हम गिन सकते हैं, बच्चे। तो इस तरह से उपयुक्त वाक्यों में विशेष्य की संख्या निश्चित बोध नहीं होती, अतः अनिश्चित संख्यावाचक है और अनिश्चित संख्यावाचक होते हुए भी इन्हें गिना जा सकता है। यानी अनिश्चित संख्यावाचक क्योंकि संख्यावाचक हैं कि उनको हम गिन सकते हैं, वो ही संख्यावाचक में आएंगे। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मापतोल संबंधित विशेषता का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो, 4 मीटर, 3 लीटर, थोड़ा कम, अधिक। तो इसमें क्या होगा कि संख्यावाचक में तो हम उनको गिन सकते हैं, यानी गिनती वाली चीज थी, लेकिन परिमाण में क्या होता है, नापने तोलने की जो चीजें होती हैं वो आती हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक यानी कि आपको क्या होगा, संख्या दी होगी निश्चित, कि जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 लीटर दूध दे दीजिए, थैली में 5 किलो चीनी है। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि आप कहोगे कि संख्यावाचक में भी 3, 5 ये आ रहा था, लेकिन परिमाणवाचक में क्या होगा कि जो संख्या है उसके बिल्कुल बाद में नापने या तोलने का की चीज होगी, यानी 3 मीटर हमने किसमें नापा, कपड़े को, मीटर में। 5 किलो चीनी को किसमें नापा हमने, किलो में। 2 लीटर दूध को किसमें नापा हमने, लीटर में। तो संख्या के साथ में आपको क्या देखना है कि इसके साथ में मीटर, किलो, लीटर, ये सारी चीजें दी हुई होंगी। तो ये क्या हो गया आपका, निश्चित परिमाणवाचक, यानी कि जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते हैं, जिनको हम तोलते या नापते हैं, वो परिमाण में आती हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में किसी ने किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, अतः ये शब्द हैं जो 2 लीटर, मीटर, 5 किलो आदि का बोध कराते हैं। अब अनिश्चित परिमाणवाचक में है कि जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मापतोल का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। अब थोड़ा दूध, अधिक खाना, कम चीनी। अब जिस प्रकार से हमने अनिश्चित संख्यावाचक में पढ़ा था, तो देखो संख्यावाचक में क्या था, कुछ लोग, कुछ के बाद में क्या था, लोग थे जिनको हम गिन सकते हैं, थोड़े केले जिनको हम गिन सकते हैं, तो ये किस में आ गए, अनिश्चित संख्यावाचक में। यहाँ पर है थोड़ा दूध, दूध को आप गिन सकते हो नहीं, तो थोड़ा दूध क्या किस में आगे, उसके आगे कौन सी चीज आ गई, नापने तो। अधिक खाना, खाना भी आप गिन नहीं सकते हो। कम चीनी, चीनी को भी आप गिन नहीं सकते हो, तो इसलिए ये किस में आएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक में। तो उपयुक्त उदाहरणों में वस्तु, दूध, खाना, चीनी की मात्रा निश्चित बोध नहीं हो रहा, यानी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, अनिश्चित है, अतः ये सभी विशेषण थोड़ा, कम, अधिक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। और इनको पहचानने के लिए बेटा हमेशा ध्यान रखना कि जो आपको थोड़ा, अधिक, कम जो दे रखा है उसकी अनिश्चितता का बोध कराने के लिए उसके आगे किस वस्तु का या व्यक्ति का नाम है, उसी के आधार पर आप इनका अंतर समझोगे। देखिए यहाँ पर जैसे अंतर भी समझा रखा है आपको कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर है। संख्यावाचक विशेषण में विशेष्य को गिना जा सकता है, ठीक है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में विशेष्य को तोला जा सकता है। जैसे 10 आदमी संख्यावाचक विशेषण हो गया और 10 किलो गेहूं किस में आ गए, परिमाणवाचक विशेषण में। लास्ट भेद है इसका, जिन सार्वनामिक विशेषण, जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ लगकर विशेषण का रूप, जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ लगकर विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि अभी तक जो हमने विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता किसके द्वारा बताई है, जो शब्द बता रहे हैं वो विशेषण है। यहाँ पर जो सार्वनामिक विशेषण है उसमें संज्ञा की विशेषता सर्वनाम के रूप में बताई जाएगी, वो है विशेषण। जैसे यह इमारत टूटने वाली है, यहाँ पर जो इमारत है इसकी विशेषता किसकी, यानी इसका विशेषण क्या है, यह है, और यह विशेषण क्या है, सर्वनाम है।
उस लड़के, लड़के के आगे उस सर्वनाम लगा हुआ है तो ये क्या हो गया विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। वह पुस्तक, पुस्तक से आगे वह, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। तो उपयुक्त वाक्यों में यह, उस, वह सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। कि ये सर्वनाम है लेकिन फिर भी ये संज्ञा के आगे लगकर क्या कर रहे हैं, ये विशेषण का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण है जो चार प्रकार के आपको बता दिए, इसमें निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो आज के लिए आपका इतना ही काम है, आपको करना क्या है, आपको विशेषण की परिभाषा लिख के और उसके भेदों के नाम लिखने, बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। So, as you know, we are discussing about the exercise 8.2. Now, the 10th question of this exercise is the numerator of a ratio number. और इसके पहले हम क्या कर रहे थे, जो question था उसमें क्या था, same था, लेकिन वहाँ denominator पहले था और उसके बाद क्या था, numerator. अब numerator क्या है of a ratio number is less than है, मतलब कि क्या है, कम है उससे, इससे, its denominator by 4. जिससे भी कम होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, h, और उसके बाद simply addition या subtraction करते हैं। तो first of all let डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एच, सो देन न्यूमरेटर क्या हो जाएगा उसका, एक्स माइनस 4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंक्रीज्ड, इंक्रीज करना है मतलब एडिशन हुआ होगा किसी का, किस बाय 2, दोनों ही क्या हो गए, इंक्रीज हो गए बाय 2, मतलब दोनों में सिंपली क्या करना है, एड करना है हमें 2, और नंबर जो मिला है वो क्या होता है, 5/9 है। अब रेशियो नंबर किससे डिनोट होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर टर्म क्या हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर टर्म इज x माइनस 4, सिंपली एड 2 बिकॉज इंक्रीज बाय 2, एंड डिनोमिनेटर टर्म इज x एंड एडिंग बाय 2, ठीक है। व्हाट वी गॉट इज 5/9, क्योंकि नंबर क्या ऑब्टेन हुआ है हमें 5/9, ठीक है। नाउ सिंपली सॉल्व दिस x, और यहाँ पे क्या है, दोनों साइन क्या है, डिफरेंट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन और साइन किसका आता है, बिगर टर्म के आगे जो है, तो क्या होता है माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 एज इट इज, और किसके इक्वल है 5/9, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म्स, सो क्या हो गया, अब हमारे पास 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9x, और दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते बीच में साइन क्या है माइनस, सो माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 इज 18, इक्वल साइन आता है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई x इज 5x, प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा, 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10, ठीक है। आप सिंपली x वाली टर्म तो एक साइड और कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड, 9x एज इट इज रहेगा, यहाँ से 5x के प्लस पे इधर आप क्या होगा माइनस 5x, यहाँ 10 एज इट इज प्लस में रहेगा और ये माइनस 18, तो इधर जा क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। कितना हो गया 4x, और यहाँ पे कितना हो गया 28। नाउ सिंपली x निकालना है तो 4 यहाँ इधर जा क्या होगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो x 7 मतलब कि डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास 7, और न्यूमरेटर क्या आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, ठीक है। हमसे तो नंबर पूछा था, नंबर क्या था, रेशनल नंबर, शुद्ध नंबर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, न्यूमरेटर कितना है 3 और डिनोमिनेटर कितना 7, सो दिस इज द नंबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम, देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ठीक है। क्या है ये हमारे पास टर्म्स, एक डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट है यहाँ पे, अगर पानी की डायरेक्शन में जा रहा हो तो हमारे पास क्या होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे, और पानी की डायरेक्शन के अपोजिट जाता है, मतलब बोट जो है उसकी डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में जाएगा तो डाउन स्ट्रीम होती है वो टर्म, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है एडिशन होता है, ठीक है। और अपस्ट्रीम क्या होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है तो उसका क्या होगा वहां पे माइनस होता है, ठीक है। अपोजिट में क्या होता है माइनस, और सेम में क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम गई है, कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 5 आवर्स, मतलब हमारे पास टाइम गिवन है और एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्पीड, और इसका फॉर्मूला पढ़े, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ भी सेम रूल लगेगा लेकिन हमें स्पीड निकालनी होगी पहले स्ट्रीम की, ठीक है। यहाँ देखो, सॉरी बोट की निकालनी हमें, तो कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 5 आवर्स वाइल इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 5:1/2 आवर्स, मतलब अपस्ट्रीम में कितना वो ट्रेवल करा उन्होंने कितनी देर में 5:1/2 आवर्स में, और जो डाउन स्ट्रीम जो है उसमें 5 आवर्स में कवर कर रहा है, ठीक है।
नाउ फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, हमें क्या निकालनी है, बोट की स्पीड निकालनी है इन स्ट्रीम वॉटर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1:1/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्या है स्ट्रीम की जो स्पीड गिवन है वो है हमारे पास दिस वन, ठीक है। सो स्पीड ऑफ, हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बोट क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, बिकॉज स्पीड क्या है इसमें काउंट होती है किलोमीटर पर आवर में, और बोट की जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 1:1/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ देखो, फर्स्ट में कहा जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, बोट की डायरेक्शन में ही होती है, तो यहाँ पे अगर हमें निकालना है स्पीड निकालनी है ऑफ द बोट इन द डाउन स्ट्रीम, या मतलब कि इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो क्या हो जाता है हमारे पास बोट की स्पीड और प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। लेकिन अगर वो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होता है इसके जस्ट अपोजिट, किसके अपोजिट, बोट के अपोजिट, तो इसमें से माइनस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा x, और उसमें प्लस क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, किलोमीटर पर हर। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, x में से माइनस करेंगे किलोमीटर पर हर, क्योंकि क्या होता है बोट की डायरेक्शन में जाते हैं, तो बोट की स्पीड में क्या होता है हमारे पास प्लस और माइनस, उसी में से ही स्ट्रीम वाली क्या होती है माइनस और प्लस, ठीक है। अब यहाँ स्पीड आ गई हमारे पास डाउन स्ट्रीम में, स्पीड आ गई हमारे पास यहाँ पे अपस्ट्रीम में, ठीक है। और उनके लिए टाइम भी गिवन था, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस निकाले ना, क्योंकि सेम डिस्टेंस है तो दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, तो दोनों के लिए हमारे पास दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, तो सिंपली क्या कर देते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उनको इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। तो अपस्ट्रीम सबसे पहले डाउन स्ट्रीम के लिए करते हैं, डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड है x प्लस 3/2 और मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से, क्योंकि टाइम कितना है वहाँ पे 5। इक्वल साइन क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के आप कर देना, ठीक है। इक्वल किसके होगा, ये स्पीड है हमारे पास अपस्ट्रीम के लिए x बाय, और मल्टीप्लाई किससे होगा 5:1/2 हर से अपस्ट्रीम के लिए, तो उसको चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 11/2, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस साइन है, और यहाँ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 15/2, ठीक है। इक्वल साइन होगा 11/2 ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा 33/4। अब सिंपली एक्स एक्स वाले टर्म्स को एक साइड और बाकी टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, 5x ये इधर क्या होगा माइनस x इक्वल्स टू माइनस 33/4 एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस 15/2 आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ इससे नीचे कुछ नहीं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से 2, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आंसर आएगा 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना हो गया 10x, साइन क्या बीच में माइनस, और वहाँ पे 11x बिकॉज 2/2 इज 1 एंड 1 मल्टीप्लाई विद 11 इज 11, साइन क्या है माइनस, तो वहाँ पे सेम रहेगा। अब इक्वल साइन के बाद इधर जो टर्म है उन दोनों का एलसीएम क्या होगा 4, 4 को फर्स्ट ऑफ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे -33 से, तो -33 ही आ जाएगा। आगे साइन भी क्या है माइनस 2/4 is 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 कितना आ जाएगा 30, ठीक है। अब ये क्या हो गया, दोनों टर्म्स क्या डिफरेंट, तो माइनस एक्स और अपॉन में 2 इक्वल हो जाएगा हमारे पास -63/4। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस से माइनस कैंसिल आउट, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 4x = 63 × 2 कितना हो जाएगा x = आ गया 63 × 2 अपॉन में 4, 2 × 2 = 2, 2 × 4 कितना आ गया 63/2, दैट विल बी इक्वल टू 3/1.5, और ये किसकी स्पीड आ गई हमारे पास x किसके लिए था, बोट की स्पीड, और यही निकालनी थी कितना आ गई 31.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना था, नेक्स्ट भी इसी के टाइप में है हमारे पास, सो नेक्स्ट इज, सो नाउ द नेक्स्ट इज ए बोट कवर्स, अगेन सेम ही है हमारे पास, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बोट की डायरेक्शन में, और अपस्ट्रीम में क्या होगा बोट की डायरेक्शन के अपोजिट, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, 6 आवर्स में ट्रेवल करता है सम डिस्टेंस,
डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और वायलेट कवर्स सेम डिस्टेंस, मतलब अगेन वही सेम पैटर्न लगेगा, डिस्टेंस हमें सेम करना है, क्या हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। तो कवर स्ट्रोकल स्पीड किसकी है, यहाँ अपस्ट्रीम में 9 hours गिवन है। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वॉटर इज 8 km/h, मतलब क्या गिवन है, बोट की स्पीड गिवन है और क्या निकालनी हमें, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट जो हमें निकालना है उसको क्या मान लिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट कितना है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है 8 km/h। क्या होता है स्पीड ऑफ बोट इसमें डाउन स्ट्रीम में, वही सेम पैटर्न लगेगा, क्या होता है किसके प्लस होता है, बोट की स्पीड में क्या ऐड कर दे हम स्ट्रीम की स्पीड, तो सिंपली क्या हो जाएगा 8 + x km/h, ठीक है। नाउ स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम में क्या हो जाता है, बोट की डायरेक्शन के अपोजिट, मतलब बोट की डायरेक्शन, बोट की हमारे पास स्पीड क्या है 8, और उसमें माइनस कर देंगे हम क्या x, जो कि क्या है हमारे पास डाउन स्ट्रीम के लिए, क्योंकि स्ट्रीम में जो है हमारे पास एक ही स्पीड होती है, ठीक है, वो अपस्ट्रीम जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और अपस्ट्रीम जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, हो गई दोनों कंडीशन। स्पीड आ गई हमारे पास डाउन स्ट्रीम के लिए, उसके लिए टाइम कितना है 6 था, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो 8 + x × 6 इक्वल होगा किसके, 8 - x × कितना है इसके लिए 9 hours, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम फॉर अपस्ट्रीम, ठीक है। नाउ सिंपली 6 × 8 = 48 + sin 6x इज इक्वल टू 8 × 9 = 72 माइनस साइन है माइनस ऑफ 9x, सिंपली x टर्म्स को x साइड और बाकी टर्म्स को 6x, इधर आके हो जाएगा ये प्लस में 9x इज इक्वल टू 72, ये इधर जाके होगा माइनस, आंसर क्या आ गया हमारे पास 15x इज इक्वल टू 12 - 8 = 4 और 7 - 6 - 24, ठीक है। x किसके इक्वल आ गया 24/15, दीज टू नंबर्स आर कैंसिल आउट बाय 3, सो 8 × 3 = 8 × 3 = 5, कितना आंसर आ गया x इक्वल टू 8/5, उसको पॉइंट में करना है तो 1.6 km/h, और ये किसकी स्पीड आ गई हमारे पास स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दैट विल बी इक्वल टू 1.6 km/h, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, here we completed our exercise 8.2 and also chapter number 8. Thank you, have a nice day. Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8. We read the second chapter of our history in previous class, named the expansion of British power in India. In previous class, we read about three Carnatic war. Today we continue our class with the conquest of Bengal, ki Bengal ke andar jo vidroh ho raha tha uske bare mein. Having well-developed trade and commerce, Bengal was one of the richest provinces in the Indian subcontinent. कि वेल डेवलप्ड ट्रेड, कि यहाँ का ट्रेड बहुत ही समृद्ध था, और कॉमर्स जो यहाँ की थी, जो यहाँ का वाणिज्य था वो भी वेल डेवलप्ड था, और बंगाल इसमें एक रिचेस्ट प्रोविंसेस थी, प्रदेश था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में। हेयर फोर्ट विलियम सर्व्ड एज ए फोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट फॉर द EEIC, और यहाँ पे विलियम जो फोर्ट विलियम था उनको ये ट्रेडिंग पोस्ट दी गई थी EEIC द्वारा। इन 1770 द कंपनी हैड गेन्ड द प्रिविलेज ऑफ इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम बंगाल विदाउट पेइंग टैक्सेस फ्रॉम द मुगल एम्परर फरकुशियर, कि इन 1717 में द कंपनी हैड गेन्ड द प्रिविलेज ऑफ इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स, कि 1717 में जो कंपनी थी EEIC उसने ये मतलब परमिशन ले ली थी मुगल एम्परर फरकुशियर से सामान को बेचने के लिए ले जाना, सामान का निर्यात और आयात बिना किसी टैक्स के पे किए हुए। कंपनी वॉज अलाउड टू इशू दस्टाक्स और पासिस फॉर इट गुड्स टू बी एग्जेम्प्ट फॉर टैक्सेस, और जो कंपनी थी वो अलाउ करती थी दस्टाक्स और पासिस, ये कुछ जैसे कि पास होता है ना, हम बस के लिए पास बनवाते हैं या लाइब्रेरी में हम पास बनवाते हैं, तो लाइब्रेरी में जाते हैं हम, बुक इशू करवाते हैं तो हम उस पास को वहाँ पे दे देते हैं, या बस में जैसे कि हमारा पास बनता है, रोडवेज बसों का पास बनता है, तो उससे हमारा किराया नहीं लगता,
ठीक है, तो ये पासेज होते हैं, तो कंपनियों ने इन्होंने पास बनवा लिए थे। हाउएवर द कंपनी स्टार्टेड इश्यूइंग डेस्क टास्क टू प्राइवेट ट्रेडर्स, कि ये जो डेस्क टास्क थे, दस टास्क, तो ये प्राइवेट ट्रेडर्स को मिले हुए थे, जो प्राइवेट व्यापारी थे, विच वॉज इलीगल, जो इलीगल थे। द कंपनी सर्वेंट वर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस, और जो कंपनी के जो सर्वेंट थे उनको टैक्स से मुक्ति नहीं मिली हुई थी। ठीक है, जो सिर्फ व्यापारी लोग होते थे, जो बड़े लोग थे, उन्हीं को टैक्स से मुक्ति मिली हुई थी, जो छोटे सर्वेंट थे उनको टैक्स से मुक्ति नहीं मिली हुई थी। अलवर्दी खान द नवाब ऑफ बंगाल वॉज एबल टू स्टॉप द मिस यूज ऑफ द दस्ताक्स टू ए लार्ज एक्सटेंट, कि जो अलवर्दी खान था नवाब ऑफ बंगाल, वो सक्षम रहा इस मिस यूज को, दस्ताक्स के मिस यूज को एक बड़े स्तर पे यूज होने से वो इसको बंद करने में सफल रहा। मतलब नवाब जो अलवर्दी खान थे उन्होंने इसको बंद कर दिया। ही वॉज सक्सेडेड बाई हिज सन सिराज उद्दौला हु ऑल्सो टुक अप स्टेप्स टू इम्पोज टैक्सेज ऑन ट्रेड एंड टू स्टॉप द मिस यूज ऑफ द दस्ताक्स। और ही वॉज सक्सेडेड, और ये किसके द्वारा मतलब विजय प्राप्त हुए, इनके बेटे सिराज उद्दौला के कारण, जो खुद विरोधी थे टैक्सेस देने के, और जो मिसयूज हो रहा था दस्ताक्स का उसके। मोर ओवर ही ऑर्डर्ड द फ्रेंच एंड द इंग्लिश टू स्टॉप द फोर्टिफिकेशन ऑफ देयर टेरिटरीज इन बंगाल, और इन्होंने ऑर्डर किया फ्रेंच और इंग्लिश दोनों को ही कि ये बंगाल में अपनी जो टेरिटरीज का विस्तार कर रहे हैं इसको ये बंद कर दें। द फ्रेंच ओबेड द ऑर्डर बट द इंग्लिश फ्लोटेड द ऑर्डर एंड दिस लेड टू ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब एंड द EEIC। फ्रेंच ने तो इस ऑर्डर का ओबे किया कि हम यहाँ पे अपनी जो टेरिटरीज हैं उनका विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन इंग्लिश जो सरकार थी उसने इसका विरोध किया, उनके ऑर्डर को नहीं माना, और इसीलिए नवाब और EEIC में लड़ाई हुई। द बैटल ऑफ प्लासी 1757, कि प्लासी का युद्ध हुआ। अभी हमने कल की क्लास में कर्नाटक वॉर पढ़ी थी, ठीक है, उससे पहले हमने तराइन की वॉर पढ़ी थी, तो अभी हम पढ़ रहे हैं 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट मार्क द बिगनिंग ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, कि बैटल ऑफ प्लासी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है भारत की हिस्ट्री में, जो मार्क करता है कि भारत के अंदर कंपनी के रूल का। इट वॉज फोर्ट बिटवीन द सिराज उद्दौला एंड द EEIC, और ये किस किस के बीच में लड़ा गया था, सिराज उद्दौला और EEIC के बीच में। द नवाब हैड कैप्चर कोलकाता इन 1756 बट द नेक्स्ट ईयर द कंपनी मैनेज टू रिकैप्चर इट। 1756 में नवाब ने कलकत्ता को कैप्चर कर लिया था, अपने अधिकार में कर लिया था, लेकिन अगले ही साल कंपनी ने उसे वापस से ले लिया। मीर जाफर वन ऑफ द जनरल्स ऑफ सिराज उद्दौलाज आर्मी एग्रीड टू सपोर्ट द इंग्लिश इन रिटर्न फॉर द, कि जो मीर जाफर जनरल था सिराज उद्दौला का, उनकी आर्मी का, वो एग्री हो गया था इंग्लिश को साथ देने में, थ्रोन कि उनको वापस से उनका मतलब कि राज्य वापस दिलाने के लिए। दस एट द बैटल ऑफ प्लासी मीर जाफर कॉन्टिन्यू रिफ्यूज टू फाइट इन द बैटल, और जो मीर जाफर था उसने लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया। द नवाब एस्केप्ड बट वॉज परस्यूड एंड किल्ड, कि नवाब अकेला रह गया लेकिन उसने घुटने नहीं टेके, वो लड़ता रहा और आखिर में मारा गया। मीर जाफर वॉज सून प्रोक्लेमेड एज द नवाब ऑफ बंगाल, और अब मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। वंस ऑन द थ्रोन मीर जाफर बिकेम ए मैरी पपेट इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश हु कुड ओनली रिटेन हिज पोजिशन ओनली सो लॉन्ग एज ही इंजॉयड देयर फेवर, कि मीर जाफर जो था उनका एक पपेट बन के रह गया था, मतलब उनके हाथ की एक कठपुतली बन के रह गया था, जिसको वो अपने भले के लिए यूज़ करते थे। ही वॉज ऑल्सो फोर्स टू पे ह्यूज वॉर कंपेंसेशन अलोंग विद लार्ज पार्ट ऑफ हिज रिवेन्यू, कि उसको फोर्स किया जाता था कि जो लड़ाई होती हैं उनके जो खर्च होता है उसके लिए भी वो बड़ा पे करे रिवेन्यू में से। Soon he was deposed by the company and Mir Qasim, his son-in-law, was put on the throne. और जल्दी ही उनको भी सिंहासन से उतार दिया गया और मीर कासिम जो उसका son-in-law था उसको राजगद्दी पे बिठा दिया गया। मीर कासिम however was not as palatable as his father-in-law, और मीर कासिम उनके जैसा नहीं था
जैसा उनके फादर इन लॉ थे. ही इम्प्रूव्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड रीऑर्गेनाइज द आर्मी अलोंग यूरोपियन लाइन्स. कि इन्होंने जो प्रशासन था राज्य का उसको विस्तार किया, इम्प्रूव किया और एक अलग आर्मी बनाई यूरोपियन लाइन से अलग. ही ऑल्सो एब्लॉयज टैक्सेस ऑन इंटरनल ट्रेड. और उन्होंने जो आंतरिक ट्रेड था उसके ऊपर भी विरोध जताया. दिस रेंडर्ड द डस्टस यूजलेस एंड ऑल्सो प्लेस इंडियन मर्चेंट एट द सेम लेवल एज दोज ऑफ द कंपनी. और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दस्ताख्त थे उसके यूजलेस, मतलब कि उसको यूजलेस कर दिया. और उन्होंने इंडियन जो व्यापारी थे उनको बराबर का अधिकार दे दिया कंपनी के व्यापारियों के जितना. एज ए रिजल्ट द कंपनी आउस्टेड हिम इन 1763 वंस अगेन पुटिंग मीर जाफर ऑन द थ्रोन. और रिजल्ट क्या निकला कि कंपनी ने उनको भी सिंहासन से उतार दिया 1763 में और फिर से मीर जाफर को राजगद्दी पे बिठा दिया. ही सून साइंड ए ट्रीटी विद द इंग्लिश एज ए रिजल्ट ऑफ विच द कंपनी गेन्ड द राइट टू इशू इट्स ओन दस्ताख्त फ्री ऑफ ड्यूटीज एंड कस्टम टैक्सेस. और उसने किसने, मीर जाफर ने जल्दी ही एक संधि साइन की इंग्लिश सरकार के साथ कि कंपनी है उसको राइट टू इशू इट ओन दस्ताख्त, कि कंपनी के खुद के दस्ताख होंगे फ्री ऑफ ड्यूटीज, बिना किसी कर के, बिना किसी टैक्सेस के. अब है द बैटल ऑफ बक्सर 1764. अब बैटल ऑफ बक्सर है, अभी हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी थी, अब हम बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे. बेटा ये बैटल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनकी डेट्स याद रखनी है, किस किस के बीच में हुई थी वो याद रखना है और कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है. इसीलिए आपको बार बार चैप्टर रीड करना है. अनदर इम्पॉर्टेंट बैटल वॉज फॉर्ट बिटवीन द कंपनी एंड द कम्बाइंड फोर्सेज ऑफ मीर कासिम सुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकेंड द मुगल एम्परर. की जो ये बैटल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कंपनी और मिक्स्ड फोर्सेस थी, किसकी, मीर कासिम की, सुजाउद्दौला की और नवाब ऑफ अवध की एंड शाह आलम सेकेंड की, जो मुगल एम्परर थे. द टू फोर्सेज मेट एट द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 इन विच द कम्बाइंड फोर्सेज वर डिफीटेड बाई द ब्रिटिश. कि दो फोर्सेस कहाँ पे मिली, बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में, और इन कंबाइंड फोर्सेस को ब्रिटिश ने हरा दिया. आफ्टर द डिफीट शाह आलम सेकंड वेंट ओवर द ब्रिटिश साइड व्हाइल मीर कासिम एस्केप. कि इस डिफीट के बाद, इस हार के बाद शाह आलम सेकंड ब्रिटिश की साइड भेज दिए गए जबकि मीर कासिम बचे रहे. ही देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए वैग्रेंट. और इन्होंने अपनी जो बची हुई लाइफ थी वो एक वैग्रेंट के रूप में बिताई. सुजाउद्दौला ऑल्सो एस्केप्ड टू रॉयलखंड एंड एज ए रिजल्ट द कंट्रोल ऑफ अवध पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द कंपनी. और जो सुजाउद्दौला था वो भी एस्केप टू रॉयलखंड, उनको भी रॉयलखंड छोड़ना पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप जो अवध था वो कंपनी के हाथों में चला गया. हैविंग एक्सेप्टेड द कंपनी सुप्रमेसी शाह आलम सेकंड गेव अप द दीवानी और रिवेन्यू कलेक्टिंग राइट ऑफ बंगाल. कि कंपनी की सुप्रमेसी स्वीकार करने के बाद शाह आलम को दीवानी और रिवेन्यू कलेक्टिंग राइट मिल गया बंगाल में, बिहार एंड उड़ीसा में, इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश के फेवर में. ही ऑल्सो हैड टू पे 5 मिलियन रुपीज़ एज वार इंडेमिनिटी. कि उन्होंने 5 लाख रुपीज़ भी उन्होंने पे किए किसके रूप में, जो वार हुई थी उसके क्षतिपूर्ति के रूप में. अवध वॉज ऑल्सो रिस्टोर्ड टू सुजाउद्दौला बट इट रिमेन्ड अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस. कि अवध को वापस से सुजाउद्दौला ने ले लिया लेकिन वो अब ब्रिटिश प्रभाव में था. बीइंग पेड ए पेंशन शाह आलम सेकंड ऑल्सो रिमेन्ड ए टिटुलर हैड. कि एक पेंशन मिलती थी शाह आलम सेकंड को, इसलिए वो अब एक टिटुलर हैड बन गए थे. मतलब एक कठपुतली की तरह ही होता है कि जैसे मुंडी अपनी सिर्फ हाँ में सिर हिलाना है, जैसे अब ब्रिटिश सरकार कहेगी वैसे ही करना है. दस इट वॉज द विक्ट्री एट द बैटल ऑफ बक्सर विच मेड द EEIC द अनडिस्प्यूटेड मास्टर ऑफ बंगाल. और इस तरह बंगाल के अंदर जो बैटल ऑफ बक्सर हुई उसमें जो विजय प्राप्त हुई, इससे
इसने जो ईईआईसी है उसको बिना किसी विरोध के बंगाल का मास्टर बना दिया. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स द वार्स वेरी वेल. रीड द वार्स अगेन एंड अगेन एंड लर्न व्हेन द बैटल हेल्ड हु फोट द वॉर एंड वेयर द वॉर फोट. बेटा इसके अंदर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, मीनिंग्स इंग्लिश के अलग होते हैं, हिस्ट्री के अलग होते हैं, जियो के अलग होते हैं, तो कहीं पे अगर आपको मीनिंग का थोड़ा इधर उधर मिले तो आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री डाल के, अपने गूगल पे डाल के दिस वर्ड मीनिंग इन हिस्ट्री, तो आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग मिलेगा. अगर आप किसी मीनिंग को इंग्लिश में देखोगे, अगर आप किसी मीनिंग को ज्योग्राफी में देखोगे तो दोनों में डिफरेंस मिल जाएगा. ठीक है, आप हिस्ट्री में देखोगे तो डिफरेंस मिल जाएगा. तो इसी डिफरेंस को कम करने के लिए आपको अगर किसी वर्ड का मीनिंग मेरे समझाने के बाद समझ नहीं आया है तो आप उसको गूगल कर सकते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग का नाम डाल के, जैसे कि आपको इंडिमिनिटी का वर्ड ढूंढना है तो इंडिमिनिटी मीनिंग इन हिंदी इन हिस्ट्री, ठीक है, आपको ये डालना है तभी आपको इसका राइट आंसर मिलेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड माई व्यूज वेरी वेल. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. वेरी वॉम मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास एट, दिस इज विनीता मैम स्टूडेंट. एंड एज यू नो दैट वी आर कंटिन्यूइंग अवर SE1 सिलेबस एंड वी हैव कंप्लीटेड अवर लास्ट चैप्टर दैट वॉज द चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. एंड इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज द चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. सो स्टूडेंट इन दिस चैप्टर वी विल केम टू नो दैट हाउ वी कैन कंजर्व प्लांट एंड एनिमल्स दैट कम अंडर द flora and fauna category. And so let's start our today's content. Student, in this video we'll do the introduction and biodiversity. So student, this is our chapter 7 conservation of plant and animals. In this student we are going to start the, firstly we will do the chapter outline, that is the biodiversity, conservation of forest. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हाउ वी कैन कंजर्व द फॉरेस्ट, द स्पीसीज विच आर इन डेंजर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन, वॉट आर द प्रोटेक्टेड एरियाज, सम फेमस कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया दैट आर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, माइग्रेशन, डिफॉरेस्टेशन, वॉट इज डिफॉरेस्टेशन, वॉट इज वाइल्ड लाइफ, हाउ द वाइल्ड लाइफ कैन बी क्रिएटेड, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी, हाउ वी कैन कंजर्व द वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं, वॉट इज़ द रेड डाटा बुक, एंड हाउ वी कैन रिसाइकल द पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन, हाउ वी कैन डू द रिफॉरेस्टेशन. सो स्टूडेंट दीज आर द अवर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कंसर्न इन दिस चैप्टर. सो फर्स्टली वी विल डू द इंट्रोडक्शन, दैट इज द लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लानट अर्थ, दीज आर द लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज. In India, there are other natural resources such as air, water, land, soil, and sun's energy. These constitute the non-living natural resources. Student, before discussing this chapter, firstly, I would like to explain you what are the resources. Student, dekhi resources kya hote hain? These are the things that are provided by nature and that are created by the man also. Ye wo cheeze hoti hain jo hamein nature ke through mili hui hain, and kuch usme se man-made resources bhi hote hain. जो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग बिल्डअप करते हैं. सो स्टूडेंट देखिए, ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें हमारे थ्रू क्रिएट नहीं की गई, दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ये जो हमारा प्लानट अर्थ है, ये इस पर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, एंड दीज आर द लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द लिविंग, एंड सेकेंडली दीज आर द नेचुरल रिसोर्स ऑल्सो, बिकॉज दीज ऑल आर नॉट क्रिएटेड बाई अस, दीज आर क्रिएटेड बाई द गॉड. इन एडिशन इसके साथ में देखिए क्या होता है, देयर आर अदर नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सी अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं दैट लाइक एयर, वाटर, लैंड, सॉयल एंड सन्स एनर्जी, दिस इज ऑल आर नॉट ऑल्सो क्रिएटेड बाई अस, दिस आर प्रोवाइडेड बाई द गॉड टू द ह्यूमन्स फॉर देयर सर्वाइवल ऑफ द लाइफ. दिस कंस्टिट्यूट द नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, नॉन लिविंग, बिकॉज दीज ऑल आर द नॉन लिविंग, इसमें लाइफ नहीं पॉसिबल है, बट इसके थ्रू लाइफ पॉसिबल है. ओके, द ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड दे आर नीड टू बी अ बैलेंस बिटवीन दैम. एंड जितनी भी ये नॉन लिविंग लिविंग रिसोर्सेज हैं, इन सबको क्या करना है, हम इन पर डिपेंड करते हैं, एंड वी हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन दैम, बिकॉज अगर ये चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं सो द नेचुरल इकोसिस्टम कैन बी गेट डिस्टर्ब ऑल्सो, एंड लाइफ सस्टेन करना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत सी चीज़ें
बहुत से ऑब्स्टिकल्स देयर कैन बी अराइजेज बट विद इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ इंक्रीज ट्रिमेंडेशली वॉट आज गोइंग स्टूडेंट देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है यू नो दैट द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग देन द डिमांड फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज क्या है जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो हो रही है डिमांड भी बढ़ रही है बिकॉज मोर पीपल आर देयर मोर डिमांड जितने लोग ज़्यादा हो रहे हैं उतनी उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही है बिकॉज ईच एंड एवरी वन वॉन्ट टू सर्वाइव अ बेटर लाइफ और लग्जूरियस लाइफ थ्रू दे डोंट वॉन्ट टू सर्वाइव वो सर्वाइव नहीं करना चाह रहे दे वॉन्ट टू इंजॉय द लाइफ देयर इज थस अ नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो ऑल दीज थिंग्स सो टेकिंग इन दीज थिंग इन कंसर्न देर इज अ नीड अराइज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज क्या हो रहा है आज की लाइफ आज के जो जनरेशन हैं दे आर यूजिंग द कॉन्टीन्यूसली रिसोर्सेज रिसोर्सेज का कॉन्टीन्यूस यूज करें सो कॉन्टीन्यूस यूज के साथ वी हैव टू स्टोर देम ऑल्सो फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन्स कंजर्वेशन इज ब्रॉडली एम्ड एट टू एक्सपेक्ट तो दो पहलुओं के ऊपर डिपेंड किया है कि कंजर्वेशन किस तरीके से करना है फर्स्टली वी हैव टू इंश्योर अ कॉन्टीन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल यूजफुल प्लांट एनिमल एंड मटेरियल फॉर फ्यूचर जनरेशन फर्स्टली वी हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग दैट वी हैव टू कीप दैम वी हैव टू कीप द कॉन्टीन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ द यूजफुल प्लांट एनिमल मटीरियल हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इन सारी चीज़ों को इंश्योर करना है सेव करना है सुरक्षित करके रखना है टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ अवर एनवायरमेंट द सेकेंड वन इज टू वी हैव टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ अवर एनवायरमेंट वी कॉन्ट डिग्रेड इट जैसे कि थ्रू अवर वेरियस एक्टिविटीज वी आर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट वी डोंट हैव टू डू लाइक दैट वी हैव टू प्रिजर्व अवर एनवायरमेंट क्वालिटी वी हैव टू कीप सेफ इट फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डिस्ट्रॉइंग इट इट कैन हार्म अस ऑल्सो द बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द एक्सिस्टेंस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम देखिए फर्स्टली क्या होता है बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दी बोथ टर्म्स आर सेम इसमें क्या होता है इट एग्जिस्टेंस इसके अंदर इंक्लूड करते हैं एक वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज बहुत ही बड़ी मात्रा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम पर एक जगह की बात कर रहे हैं जैसे सपोज दैट फॉरेस्ट में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है बिकॉज वो एक प्लेस भी है इवन एट अ सिंगल टाइम पर हम बात करें तो वहाँ पर हमें काफ़ी वाइड रेंजेस की वाइड वेराइटीज की हमें वहाँ पे एनिमल्स प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं सो दिस कैन बी टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी व्हेन वन टॉक ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द अर्थ एज अ होल इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द अर्थ वो मतलब हम एक पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी जो है वो मतलब कोई इफ वन टॉक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अगर बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करे तो इट इज़ नॉट कि वो एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात कर रहा है इट कैन बी ऑफ अर्थ एज अ होल वो पूरे होल अर्थ की जो ऊपर फैली हुई बायोडाइवर्सिटी है मीन्स जो प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के बारे में बात की इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ये कोई समान ऐसा नहीं है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सपोज दैट हरियाणा में इतने एनिमल्स हैं तो देन राजस्थान में भी इतने ही होंगे एंड तमिलनाडु में भी इतने होंगे केरला में भी इतने होंगे इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली वहाँ के जो इन्वायरमेंट है वहाँ का जो क्लाइमेट है वहाँ पे जो लैंड है उन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया अर्थ पे वेर एवर आप जैसे सपोज दैट कि गुजरात में हमें सबसे ज़्यादा लायंस देखने को मिलते हैं ओके तो ऐसा नहीं है कि आपको राजस्थान में भी लायन देखने को मिलेंगे एंड हरियाणा में भी लायन देखने को मिलेंगे दिल्ली में भी इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सी दिस इज द बायोडाइवर्सिटी हेयर इज अ ह्यूज एलिफेंट दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और यू कैन से दैट दीज आर द वॉर्म्स और सिल्क वॉर्म ओके किसी जगह पे सिल्क वॉर्म ज़्यादा मिलेंगे आपको किसी जगह पे आपको एलिफेंट मिलेंगे सो दैट इज द बायोडाइवर्सिटी इन अ फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी एक ही फॉरेस्ट में देखिए बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल से रिलेटेड बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन है ओके द नेक्स्ट इज मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑकर्स इन अ फॉरेस्ट फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है द रीजन विच आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी आर कॉल्ड मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर तो वी कैन से दैट फॉरेस्ट इज अ मेगा डाइवर्सिटी सेंटर देयर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज वन ऑफ देम
ओवरऑल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल नंबर्स ऑफ मेगा डाइवर्सिटी देर आर 12 इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में 12 है एंड इंडिया जो है उसमें से 12 में से फर्स्ट रैंक पे, मतलब वन ऑफ देम उसमें से 12 में से एक आता है. एज यू नो स्टूडेंट, लेट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट, तो वर्ल्ड का जो 30% फॉरेस्ट है, 30% जो लैंड है, इट इज़ कवर्ड विद द फॉरेस्ट. एंड उसमें से इंडिया जो है, इंडिया के बारे में बात करूँ तो इट इज़ कवर्ड विद 21% इंडिया का. और इंडिया जो है वो भी बहुत ही, मतलब उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि इट हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट. सो स्टूडेंट देखिए, फ्लोरा एंड फौना जो है कैटेगरीज होती हैं एंड बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया. दैट वाज द डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्लाइमेट चेंजेस, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ह्यूमन एक्टिविटी बट ड्यू टू सम रीजंस ये चीज़ें भी होती हैं. ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है. तो हम इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, मतलब नेचुरल कैलमिटीज़ के थ्रू भी, बहुत सी ऐसी नेचुरल कैलमिटीज़ होती हैं जिनके थ्रू हमारा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब होता है. सो अर्थ बायोडायवर्सिटी कैन बी अफेक्टेड बाय द सम नेचुरल कैलमिटीज़ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो. सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द टूडेज कंटेंट. दिस इज़ द पेज नंबर 80 दैट वी हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक. ओके, दीज आर द ट्रू फॉल्स. And on the page number 85 that you have to find out to self-check questions. This is what you have to do in your FAIR notebook. So that's all for today. Goodbye, student. Welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. So student, today for the listening skills, I have just done from 6 to 8 class. So the second part, in that which you have to just listen the carefully the paragraph which I have just told you, and you have to just give the answers of your own which has been given in the exercise. So let us start. So student, let us start for class 8, the listening skills part 2. अब इसमें देखिए बेटा, रीड आउट द फॉलोइंग पैराग्राफ इन द क्लास एंड आस्क द स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चन सेट इन द लिसनिंग स्किल्स. ये टीचर के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस है कि हमें ये पैराग्राफ पढ़ के सुनाना है, बताना है. और जो चैप्टर द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला के जो पीछे जो है लिसनिंग स्किल दी हुई है, उसमें जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो आपको बताने हैं. सो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट. केरला इज ए स्मॉल स्टेट इन साउथ इंडिया ऑन द मालाबार कोस्ट. यानी कि मालाबार के किनारे जो है केरला बसा हुआ है, एक छोटा सा स्टेट है जो कि साउथ इंडिया का एक हिस्सा है. इट इज ए नैरो कोस्टल स्ट्रिप बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट एंड द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट. यानी कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के साथ साथ जो अरेबियन सी जो है उसके साथ साथ ये जो है एक छोटा सा नैरो कोस्टल, यानी कि कोस्टल स्ट्रिप है. ऐसा लगता है जैसे एक नैरो सी जो कोस्टल किनारे किनारे एक जमीन है, बाउंडेड है, जो कि घिरी हुई है, उसे हम उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं, केरला के नाम से. द लैंड ऑफ केरला इज फेमस फॉर इट्स ब्रेथ टॉकिंग नेचर ब्यूटी. यानी कि केरला जो है ये फेमस है किस चीज के लिए, ब्रेथ टेकिंग और नेचर ब्यूटी के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए और नेचर ब्यूटी के लिए, नेचुरल ब्यूटी. और जो है नेचुरल क्या है कि ये चारों तरफ से जो है ऐसा लगता है जैसे प्राकृतिक सुंदरता हो. विद इट्स एवरग्रीन माउंटेन्स, और इसके साथ साथ यहाँ पे हमेशा, एवरग्रीन का मतलब होता है कि हमेशा हरे भरे रहने वाले पहाड़ भी हैं. डेंस फॉरेस्ट, यानी कि डेंस फॉरेस्ट यानी कि बहुत घने यहाँ पे फॉरेस्ट भी हैं. एंड स्टेटली पाम ट्रीज, और पाम ट्रीज जो है यहाँ के बहुत फेमस है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं और बहुत ही हाइट में हाई होते हैं. स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स, और यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती है वो बहुत ही जेंटली मूव करती है, यानी कि बहुत ही शांत स्वभाव की रिवर्स होती हैं जो फ्लोट करती हैं. एंड एक्सटेंसिव बैक वाटर्स एंड ब्लू लैगून्स, और यहाँ पे जो है
बैक वाटर्स है और ब्लू लैगून्स के नाम से यहाँ पे बहुत सी जगह ऐसे पाए जाते जो फेमस हैं। अब ये देखिए, इट लुक्स लाइक अ फेरी लैंड्स, और जो है एक्सटेंसिव जो है बैक वाटर्स और ब्लू लैगून्स की वजह से यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे ये कोई जो है फेरी लैंड हो, यानी कि परियों की जगह हो। द स्टेट इज सो ब्यूटिफुल दैट पीपल ऑफन कॉल इट गॉड्स ओन कंट्री। और ये स्टेट जो है वो इतना सुंदर है हर तरह से, तो इसको जो है लोग आमतौर पे ये भी बुला लेते हैं कि गॉड्स ओन कंट्री, कि ये ईश्वर की अपनी जो है प्लेस है। द पीपल हियर डिपेंड मोस्टली ऑन फार्मिंग, और यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर जो है खेती पर ही निर्भर हैं। एंड फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी कि खेती और मछली पालन पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ओनम इज देयर ग्रेटेस्ट फेस्टिवल, और ओनम जो है यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। सो स्टूडेंट, ये पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया है। नाउ जस्ट स्विच ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। अब नाउ देखिए स्टूडेंट्स, ये है कि जो यहाँ पे जो मेंशन किया गया, योर टीचर विल रीड अ स्मॉल पैराग्राफ, तो ये वो पैराग्राफ है जो मैंने अभी आपको समझाया है। और अब ये पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर देखिए। फर्स्ट देखिए आप इसका, वेयर इज द स्टेट ऑफ केरला सिचुएटेड, तो ये आपको जो है इसमें दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या है आपका, ये साउथ में जो है मालाबार कोस्ट है, वहां पे ये केरला स्टेट जो है सिचुएटेड है। नेम द सी ऑन हूज बैंक इज द स्टेट ऑफ केरला सिचुएटेड। सो इसका आपका जो है आंसर क्या है कि ये अरेबियन सी के ईस्ट और वेस्ट में जो है सिचुएटेड है, कोस्टल है, ये बाउंडेड है ये प्लेस। अब नंबर थ्री देखिए, By what name do the people often call it? अब जो है किस नाम से जो है लोग इसको बुलाते हैं? It's God, God, ये किस नाम से बुलाते हैं? God's often God's its own place, यानी कि भगवान की अपनी जो है जगह के नाम से इसको बुलाते हैं। अब नंबर फोर देखिए आप इसका, What are the two most important means of livelihood for the people here, यानी कि यहाँ पे रहने वाले जो है लोगों का जो मेन जीवन किस चीज से चलता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे मेन क्या है, दे ऑलमोस्ट डिपेंड अपॉन द फार्मिंग एंड फिशिंग, तो फिशिंग और फार्मिंग पे ही वो लोग यहाँ के लोग केरला के लोग डिपेंड करते हैं। सो स्टूडेंट, अब जो है क्वेश्चन नंबर फाइव है, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब जो ये वर्ड्स दिए हुए, एवर ग्रीन यानी कि हमेशा ग्रीन रहने वाला, और एक्सटेंसिव यानी कि बिल्कुल शांत स्वभाव से चलने वाली, ये नदी के बारे में ये कॉम्प्लीमेंट दी गई है, एक्सटेंसिव रिवर। तो ये जो है आपको दो वर्ड है, इनके आपको सिनोनिम्स यहाँ पे लिखने हैं। सो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो यहीं तक, और आपको करना क्या है, एज यूजुअल पहले जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर। स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर क्लास 8 एंड यू एज यू ऑल नो इन प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 10 कंपैरिजंस, एंड इन प्रीवियस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव फॉर्म्स एंड बुक एक्सरसाइज। Now I will tell you the second next topic, that is based on comparisons with phrases. Comparisons with phrases. आप सभी को पता ही है phrase, what is the meaning of phrases? Phrases क्या होते हैं, हमने sentences chapter पढ़ा था, उसमें पढ़ा हुआ है phrases क्या होते हैं। Now we have some words like much, far, a bit, ये कुछ words हैं हमारे पास। इन words को अगर हम compare करेंगे तो क्या आएगा, तो इसके लिए जैसे a
अब मैं मच के साथ एक सेंटेंस बना के दिखा रही हूँ आपको. अ बस इज मच चीपर देन अ टैक्सी. तो इसमें जो हमने वर्ड मच यूज किया है ये हमें कंपैरिजन किया है किसके साथ, फ्रेज के साथ, कि ये हमारा फ्रेज है और इसके साथ हमने मच वर्ड यूज करके उसका कंपैरिजन किया है फ्रेज के साथ. तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे जो अभी मैंने एग्जांपल में दिए हुए आपको, मच, फार, अ, बिट. ऐसे ही अब आपको इसी बेसिस पे एक बुक एक्सरसाइज है आपके लिए, आप अब हम उसको करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइज. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज आवर बुक एक्सरसाइज बेस्ड ऑन देन विच टॉपिक इज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट देन. सो स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू यूज देन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव कमेंट ऑल ऑन दीज सिचुएशंस, राइट अ सेंटेंसेस विद अ कंपैरेटिव एंड देन यूज दीज एडजेक्टिव्स. हमें एडजेक्टिव्स गिवन है, हमें कंपैरेटिव फॉर्म और कंपैरेटिव और देन यूज करके क्या करना है, इन वर्ड्स को, इन एडजेक्टिव्स को यूज करके हमें सेंटेंसेस रीफ्रेम करने हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज डन. लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस इज रंजीत हैज नॉट मनी फ्रेंड्स, विनीत हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स. तो इससे क्या हमें पता चलता है कि विनीत इज मोर पॉपुलर देन रंजीत. तो ऐसे ही हमारे पास सेकंड सेंटेंस है. नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस. बल्लू कैन लिफ्ट 80 किलोज बट अंगद कैन लिफ्ट 100 किलोज. तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि अंगद बल्लू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो हम इसका सेंटेंस लिखेंगे, अंगद इज. सो इन फर्स्ट सेंटेंस अंगद इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बल्लू. अब हमें उसकी स्ट्रांगनेस का पता चल रहा है कि वो उससे स्ट्रांग है. जो हमें एडजेक्टिव गिवन था उनमें से ही हमें एडजेक्टिव यूज़ करने हैं और मैंने इसमें एडजेक्टिव यूज़ किया है स्ट्रांग अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. अब हमारे पास थर्ड सेंटेंस ऐसे ही है. देखिए, एप्पल्स आर 100 अ डजन. अब हमारे पास एप्पल्स का रेट है 100 रुपीज़ डजन. ऑरेंजेस आर 50 रुपीज़ अ डजन. यानी कि हमारे पास ज़्यादा महंगे कौन से हैं, एप्पल्स. तो हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव वर्ड यूज़ करेंगे और एक्सपेंसिव वर्ड इसके अकॉर्डिंग आएगा. ऐसे ही जो रिमेनिंग एडजेक्टिव्स है वो हमें इन तीनों सेंटेंसेस के लिए यूज़ करने हैं कि कौन सा सेंटेंस के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज़ होगा विद कंपैरेटिव फॉर्म. तो इसका सेंटेंस का हमें क्या सेंटेंस बनेगा, एप्पल्स आर मोर एक्सपेंसिव देन ऑरेंजेस. हमने इसमें कंपैरेटिव फॉर्म भी यूज़ करनी है और वर्ड देन वर्ड भी यूज़ करना है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एक्सरसाइज ऑफ कंपैरिजन एंड देन यूज़ करके आपको जो सेंटेंस फ्रेम करने हैं उनसे. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू द नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन्स विद फ्रेजेस. कंपैरिजन्स विद फ्रेजेस के साथ भी हमारे पास एक बुक एक्सरसाइज है. अब मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चंस रिपीट करती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे करना है. देखिए, इन फ्रेज इनमें हमारे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं कंपैरिजन्स के लिए. और हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था, एक अ बस इज मच चीपर देन अ टैक्सी. अब इसमें हमने वर्ड यूज़ किया है मच. ऐसी बेसिस पे हमारे पास एक एक्सरसाइज है, हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस. Now let's start. On the basis of comparisons with phrases, we have a question. Now let's start. In this question, complete these sentences using the comparative of a suitable adjective. अब इसमें भी हमें box में adjectives given हैं. इन्हीं words को use करके हमें इनके साथ कौन सी form आएगी, comparative form हमें use करनी है. और different phrases हमें given हैं. तो अब हमें इन एडजेक्टिव्स को यूज़ करके ये दिखाना है कि इसमें कैसे यूज़ लिखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मृणालिनीज सेकेंड नॉवल इज डैश देन द फर्स्ट. तो क्या आ जाएगा इसका, अब हम इसमें कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, इंटरेस्टिंग. तो इसमें आ जाएगा मोर इंटरेस्टिंग देन द फर्स्ट. अब सेकेंड में आ जाएगा हमारे पास एन ऑडी
ए फोर इज डैश देन एन ऑर्डिनरी कार, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन ओडी ए फोर इज मोर कंफर्टेबल देन एन ऑर्डिनरी कार. Harry is more lazy than his sister. Lazy, more lazy. Fourth sentence, Shweta is dash person than her sister. तो इसका आ जाएगा Shweta is better person than her sister. इसमें हमने more word use नहीं किया क्योंकि more नहीं आएगा इसके साथ. हमारे पास इसकी second जब हम comparative में good go करेंगे तो क्या आ जाएगा, better. Grandma is dash today than she was last week. Warm, more warm today than she was last week. Okay students, I hope you understand this exercise. Now let's start with the next topic, that is based on the. Now I will tell you the use of the. हम कंपैरिजन में द वर्ड यूज़ करते हैं. आप सबको पता है हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव नहीं सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज़ करते हैं द. लेकिन अब हम कंपैरेटिव डिग्री में भी इसको द को यूज़ करेंगे. अब हम द को कैसे यूज़ करेंगे, देखिए. द कंपैरेटिव पैटर्न टू से दैट अ चेंज इन वन थिंग गोज विद चेंज इन अनदर. जब हमारे पास एक चीज़ में चेंज होता है, वन थिंग में चेंज होता है, तो वो दूसरी चीज़ के साथ भी चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल, द यंगर यू आर द मोर क्विकली यू लर्न. जितने तुम छोटे हो उतना ही तुम लर्न जल्दी करोगे. तो द हमने यंगर के साथ यूज़ किया है, ठीक है. और यहाँ पे द मोर हमने इसके साथ यूज़ किया है, ठीक है. तो अब पता चल गया कि हमें द यूज़ कहाँ कहाँ करना है अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल्स. नाउ आई विल टेल यू द बुक एक्सरसाइज, यू विल मोर कम्फर्टेबली यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइज. Now on the basis of the we have a book exercise. Look at this book exercise. Complete these sentences with the help of the information given in the brackets. अब हमें brackets में information given है already. अब हमें word use करना है the और हमें superlative comparative degrees का use करना है. Now let's start. First sentence is the more I try to work this out. ठीक है, इसमें द मोर यूज हुआ है. अब इसके साथ क्या यूज करेंगे हम, द मोर आई गेट प्रिफ्लेक्स्ड. अब हमने इसमें भी यूज किया द मोर आई गेट प्रिफ्लेक्स्ड. नेक्स्ट सेंटेंस इज द बिगर अ हाउस इज The more rent is high. The more rent is high. Okay students, like this we have to put the word with the sentences. Now I hope you understand this exercise. Do these exercise in your fair notebook. This is your homework. Thank you students.